हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सट्रूडेड एल्युमिनियम। एक्सट्रूजन प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हम मटेरियल को एक डाई से पुश करते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सट्रूजन प्रोसेस। एक्सट्रूडेड एल्युमिनियम में क्या होगा, हम एल्युमिनियम को एक डाई से पुश करेंगे, उसे हम बोलते हैं एक्सट्रूडेड एल्युमिनियम। ओके, एक्सट्रूडेड एल्युमिनियम इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ मेकिंग स्मॉल एल्युमिनियम वायर्स, बार्स और बीम्स एंड मैनी वराइटी ऑफ स्मॉल नॉन स्ट्रक्चरल पीसीस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ डबल पुली। हम डबल पुली क्यों यूज करते हैं, ओके इसकी क्या एडवांटेज है। द पर्पज ऑफ अ डबल पुली इज टू इंक्रीज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सिस्टम। ओके, देयर बाय रिड्यूसिंग द एफर्ट रिक्वायर्ड टू मूव अ गिवन लोड। इसका सिंपल सा आंसर है, बाय यूजिंग डबल पुली हम कम एफर्ट से ज़्यादा लोड उठा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज नर्लिंग प्रोसेस। नर्लिंग प्रोसेस क्या होता है, जो कि ग्रिप बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जो मोस्टली लेथ मशीन के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। ओके, नर्लिंग इज़ अ मशीनिंग प्रोसेस नॉर्मली कैरीड आउट ऑन अ सेंटर लेथ और अ लेथ मशीन। ओके, द एक्ट ऑफ नर्लिंग क्रिएट्स अ रेस्ड क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑन अ स्मूथ राउंड बार That could be used as a handle or something that required extra grip. Okay. Next हमारे पास क्वेश्चन है, How does hydraulic clutches work? Hydraulic clutches कैसे वर्क करते हैं। Hydraulic का मतलब है हम इसमें लिक्विड यूज करेंगे। Okay. By using a non-compressible fluid. Okay. यानी कि हम इसमें लिक्विड यूज करेंगे hydraulic clutches में। It acts like a solid push rod. Okay. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इज इट द स्ट्रेस दैट प्रोड्यूसेस स्ट्रेन और स्ट्रेन प्रोड्यूसेस स्ट्रेस। इसमें सिंपली पूछा गया है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन। स्ट्रेस क्या होती है, रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, चेंज इन डिमेंशन अपॉन ओरिजिनल डिमेंशन, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेन। इसका मतलब क्या है, स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ कैन आई सी वेयर पाइप्स आर बिहाइंड दी वॉल। अगर दीवार के पीछे कोई पाइप है या फिर कोई वायर है, हम उसे कैसे देख सकते हैं। इसका आंसर है, बाय यूजिंग रेडियो वेव्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ आर दी न्यूमेटिक सिस्टम एंड हाइड्रोलिक सिस्टम सिमिलर। न्यूमेटिक सिस्टम और हाइड्रोलिक सिस्टम सिमिलर कैसे हैं। न्यूमेटिक सिस्टम में क्या होता है, हम कंप्रेस्ड एयर यूज करते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम में हम लिक्विड यूज करते हैं। ओके, हाइड्रोलिक यूज ऑयल और वाटर। ओके, न्यूमेटिक यूजेस गैस। ओके, बोथ सिस्टम यूज प्रेशर टू एक्ट ऑन अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन। दोनों में हम प्रेशर यूज करते हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ओके, इसलिए हम बोलते हैं न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक सिस्टम सिमिलर है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर दी सम एग्जांपल ऑफ अ पेरिस्कोप। इसका आंसर है, पेरिस्कोप को हम मोस्टली सबमरीन्स में यूज करते हैं। ओके, पेरिस्कोप क्या होता है, मान लीजिए हमारे सामने कुछ पड़ा है, उसे हम सिंपली नेक्ड आइस और लेंस से देख सकते हैं। मान लीजिए कुछ वस्तु थोड़ी ऊंचाई पर पड़ी है या फिर थोड़ा डेप्थ पर है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा ऊंचाई पर है, इसे देखने के लिए हम पेरिस्कोप यूज करते हैं। ओके, इसे हम मोस्टली सबमरीन में यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ नाइट्रोजन इन वेल्डिंग। नाइट्रोजन इज यूज टू प्रिवेंट पोरोसिटी इन द वेल्डिंग मेंबर बाय प्रिवेंटिंग ऑक्सीजन एंड एयर फ्रॉम एंटरिंग द मोल्टन मेटल ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस। ओके, नाइट्रोजन यूज करने का सिंपल ये पर्पस है, टू प्रिवेंट द पोरोसिटी। ओके, अदर गैसेस आर ऑल्सो यूज फॉर दिस पर्पस सच एज आर्गन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक। अगर हम बात करें, वेरियस टाइप की प्लास्टिक अवेलेबल है। ओके, वेरियस टाइप प्लास्टिक के लिए उसकी डेंसिटी भी वेरी करेगी, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मोस्टली अगर हम बात करें, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम बात करें प्लास्टिक की डेंसिटी होती है 0.92 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, वेरियस प्लास्टिक के लिए इसकी डेंसिटी वेरी कर सकती है। अगर हम एवरेज बात करें, प्लास्टिक की डेंसिटी होती है 0.92 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।